Hello students, welcome to our 7th standard math lecture. Now we see the next question of the practice set 14. In previous lecture and in previous video, we see the questions before the 4th number question. Now we start with the 4th number question. See, सबसे पहले question पढ़ते अभी देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा changes आएगा कि अभी तक आपको direct ही दिया होगा कि HCF निकालना है, HCF निकालना है. अभी इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे आपको बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, क्या स्मॉलेस्ट नंबर निकालो ऐसे बोला है, तो आपको क्या करना है वहां पे एचसीएम निकालना, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. और आपको बोला है ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट है तब आपको निकालना है वहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन. मैं फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रही हूं. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, यस एलसीएम, व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब वो डिवाइडेड होगा बाय 8, 9, 10, 15, 20 गिव्स अ रिमाइंडर 5 of every 10. और वहां पे क्या होगा कि जब हम उनका एलसीएम निकालेंगे तो हर टाइम हम क्या होगा 5 रिमाइंडर ज्यादा देगा. वहां पे रिमाइंडर जो आएगा वो 5 ज्यादा आएगा, तो ऐसे कहा गए तो हम क्या करते हैं वहां पे एलसीएम निकालते हैं. सबसे पहले लिखो एलसीएम ऑफ 8, 9, 10, 15 इज गिवन बाय, हम उसका एलसीएम निकालें. आप सबको पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं. सबसे पहले नंबर लिखो 8, 9, 10, 15, 20. अभी देखो कि ये जो नंबर्स है ना, इनको हम एक ही नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते. क्या एक ही नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी नंबर चूज करेंगे कि जो उसको डिवाइड कर सकते कोई भी नंबर. जैसे देखो 8, 10 और 20 इनको हम क्या कर सकते, 2 से डिवाइड कर सकते. तो यहाँ पे गया 2, 2 4 सा 8, 9 डिवाइड नहीं होगा 9 को, इसलिए 9 चूज. 2 5s are 10, 5 are 15, जैसे कि वैसे 2 10s are 20, 10 are. अभी next 4 9 5 15 10. फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 10 है, फिर से हम क्या करेंगे 2 से लेंगे, that is 2 2s are yes 4 9 जैसे कि वैसे, 5 जैसे कि वैसे, 15 जैसे कि वैसे, 2 5s are 10. अभी हमारे पास 2 9 5 15 5 are. अभी देखो कि जैसे 9 और 15 ये दोनों कौन से टेबल में, यस 3 के टेबल, तो 3 ये 2 जैसे वैसे, 3 3 सा 9, 5 जैसे कि वैसे, 3 5 सा 15, 5 जैसे कि वैसे, 2 3 5 5 सा. देखो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ, तो बट हमें एलसीएम निकालना तो उसे क्या करना, 20 निकालना है. जैसे अभी यहां पे 5 का ट्रिपल है तो हम क्या करेंगे, 5 से 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 2 और 3 जैसे कि वैसे, क्योंकि उनको हम डिवाइड नहीं कर पा रहे. अभी 2 और 3 बचे हैं, एक बार फिर 2 से डिवाइड करोगे दैट इज 2 1 जा 3, ये 1 जैसे कि वैसे है. अभी 3 रिमेनिंग, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 3 1 जा 3. अभी एलसीएम करते समय हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स है उसे क्या करते हैं वहां पे, उतने फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मैंने यहां पे एलसीएम लिखा दैट इज 2 * 2 * 3 * 5 * 2 * 3, ये मल्टीप्लिकेशन आते हैं दैट इज 365. एलसीएम क्या आता है वहां पे, 365. स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया है, मतलब आपको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट मींस एलसीएम. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, रिड्यूस द फ्रैक्शन 300 upon 300 upon 319 नेक्स्ट 221 upon 247 नेक्स्ट 437 upon 551 टू द लोवेस्ट. हमें क्या करना है, जो नंबर से फ्रैक्शन दे उसे लोवेस्ट टर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना. अभी देखो जैसे हमने डिवीजन मेथड देखी, डिवीजन मेथड में भी हम क्या करते थे वहां पे रिडक्शन, डिवीजन मेथड देखी थी. उसके बाद हमने रिड्यूस मेथड देखी थी कि हम उसे क्या करते थे, जो कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है उसे रिड्यूस करते थे. बट रिड्यूस किससे करते थे, जो हमारा क्या आता था एलसीएम वहां पे आता. यहाँ पे हमें वो निकालने नहीं, हमें उसे क्या करना है, डायरेक्टली रिड्यूस करना. क्या करना है, डायरेक्टली रिड्यूस. जैसे फर्स्ट 348 अपॉन 309 इसको क्या करना है कि आपको इसके लिए क्या होगा, टेबल सर्व करनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसे डिवाइड कर रही हूँ 29 से. क्या करें, 29 से 348 / 29 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है एंड 309 / 29 तो आता है 12 upon 11. क्या आता है, 12 upon 11. नेक्स्ट 221 / 246
947 एंड 551, उसे 19 से डिवाइड किया तो आंसर है